శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబిలంబితాంబుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कालिदास जी के बारे में. कालिदास जी के बारे में कुछ रोचक और अद्भुत बातें हम आपको बताएंगे. कालिदास शब्द का अर्थ है काली का सेवक. कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे. उन्हें भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की हैं. उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित है. कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि तक का स्थान देते हैं. आधुनिक विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि तक का स्थान देते हैं. वर्तमान समय में लगभग 40 ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें कालिदास के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन इनमें से केवल 7 ही निर्विवाद रूप से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मानी जाती है. इन 7 में से 3 नाटक है, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य. अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कालिदास जी किस काल में हुए. और मैं ये भी आपको बता दूं कि कालिदास शिव के बहुत बड़े भक्त थे. उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं के आधार पर रचनाएं की हैं. कालिदास के समय विषयों में काफी मतभेद पाया जाता है, लेकिन आज विद्वानों की सहमति से उस समय का काल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है और इसी आधार पर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के कालिदास के रचनाकाल संबंध है. तो इम्पॉर्टेंट है कि कालिदास किस काल में हुए. हमारे पास इस बात का कोई ठोस स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, पर कालिदास प्राचीन भारत में किस समय में हुए थे किसी के पास नहीं है. विभिन्न इतिहासकारों के इस बारे में अलग अलग मत है, लेकिन 2 मत काफ़ी लोकप्रिय हैं. पहला मत है 1 सदी ईसा पूर्व का और दूसरा 4 सदी ईस्वी का. 1 सदी ईसा पूर्व यानी कि आज से 2100 साल पहले के मत के अनुसार कालिदास उज्जैन के विख्यात राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे और 4 सदी ईस्वी के मत के अनुसार कालिदास भारत का स्वर्णयुग कहे जाने वाले गुप्त काल में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त के समकालीन थे. तो ये 2 मत हैं. अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है. यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से हैं जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था. यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है. मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद भाव व्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है या सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं और प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत रखंड काव्य से खंड काव्य में दिखता है. कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और तनुरूप वे अपने अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे. उनके प्रकृति वर्णन अद्वितीय है और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं. इनके जो जन्म का समय है, कालिदास किस काल में हुए और मूलतः किस स्थान से थे, इसके में काफी विवाद है. अभी 6वीं ईस्वी सदी में वानभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित्रम में कालिदास का उल्लेख किया था तथा इसी काल के पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है, अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते. तो इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी इसके मत होना तय है. अभी इनके ऊपर विवाद और पक्ष प्रतिपक्ष भी है. कालिदास ने शुंग राजाओं को छोड़कर अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता या किसी साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया है. सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पूर्वा
और उर्वशी पर आधारित अपने नाटक का नाम विक्रमोवर्ष्यम रखा। कालिदास ने किसी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया है। विक्रमादित्य नाम के कई शासक हुए हैं, तो संभव है कालिदास इनमें से किसी एक के दरबार में कवि रहे हों। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कालिदास शुंग वंश के शासनकाल में थे, जिनका शासनकाल 100 सदी ईसा पूर्व हुआ था। तो ये थोड़ी सी मतलब इसमें घोच पोच है काफी, किस काल में हुए। जन्म स्थान के बारे में हम आपको बताते हैं। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ही विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। साहित्यकारों ने भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ है और कालिदास ने यहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की। कविल्ठा चारधाम यात्रा मार्ग में गुप्त काशी में स्थित है। गुप्त काशी की कालीमठ सिद्धपीठ वाले रास्ते में कालीमठ मंदिर से 4 किलोमीटर आगे कविल्ठा गांव स्थित है। कविल्ठा में सरकार ने कालिदास की प्रतिमा स्थापित कर एक सभागार का भी निर्माण करवाया हुआ है। अब कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शक्लो सूरत से तो सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे, कहा तो यही जाता है। और उनका जो विवाह हुआ वो संयोग से विदुत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विदुत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कि उसे शास्त्रास्त्र में हरा देगा उसी के साथ शादी करेगी। जब विदुत्तमा ने शास्त्रास्त्र में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रास्त्र करवाया। विदुत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी जिसे कालिदास अपने बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते हैं। तो विदुत्तमा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विदुत्तमा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। तो इसके जवाब में कालिदास ने गुस्सा दिखाया तो विदुत्तमा को लगा कि वो कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो सभी एक मन के द्वारा संचालित है। विदुत्तमा और कालिदास का विवाह हो गया। तब विदुत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास तो अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस नहीं आना। और कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से ज्ञानी और धनवान बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे गौर लौटे तो उन्हें दरवाजा खड़का कर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, मतलब दरवाजा खोलो सुंदरी। विदुत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् बाग्विशेषः, कोई विद्वान लगता है। तो इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विदुत्तमा को अपनी पथ प्रदर्शक गुरु माना है और उसके स्वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी है। कुमार संभव का जो प्रारंभ है वही यहीं से होता है, अस्त्युत्तर श्याम दिशि, इससे शुरुआत होता है। मेघदूतम का पहला शब्द है कश्चित् कांता और रघुवंशी की शुरुआत होती है वागार्थ विव से। तो ये कालिदास की जो बातें हैं ये बहुत कम जगह पे आपको मतलब मिलेगी। इसके बाद कालिदास की रचनाओं के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, उनकी जो मुख्य रचनाएं थी। अब हम बात करते हैं अन्य रचनाएं जिनका श्रेय कालिदास को दिया जाता है। उन 7 रचनाओं के अलावा 33 ऐसी रचनाएं हैं जिनका श्रेय महाकवि कालिदास को दिया जाता है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि रचनाएं अन्य कवियों ने कालिदास के नाम से की थी। कवि और नाटककार के अलावा कालिदास को ज्योतिष का भी विशेषज्ञ माना गया है। माना जाता है कि ज्योतिष पर आधारित पुस्तक उत्तर कालामृतम कालिदास की रचना है, ऐसी मान्यता है। नाटक जो उन्होंने लिखा है मालविका की मित्रम, ये कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है।
अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र के प्रेम करने लगते हैं। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो मालविका को जेल में डरवा देती हैं, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना है जो उनकी जगत प्रसिद्धि के कारण बना है, और इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन के अलावा दुनिया के अनेक भाषाओं में हुआ है। अभी इनका जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये बहुत ही फेमस है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है जो वन में एक परित्यक्त ऋषि पुत्री शकुंतला से प्रेम करने लगता है जो विश्वामित्र और मेनका की बेटी है, और दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं और इसी बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतलम को शाप दे देते हैं, जो शकुंतला थी जिसके वियोग में उसने ऋषि का अपमान किया है वही उसे भूल जाएगा। काफ़ी क्षमा प्रार्थना करने के बाद ऋषि ने शाप को थोड़ा सा नरम करते हुए कहा कि राजा की अंगूठी उन्हें दिखाते उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन राजधानी जाते हुए रास्ते में अंगूठी खो जाती है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शकुंतला को पता चला कि वो गर्भवती है। शकुंतला लाख गिड़गिड़ाई लेकिन राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब एक मछुआरे ने वो अंगूठी दिखाई तो राजा को सब कुछ याद आया और राजा ने शकुंतला को अपना लिया। यही पूरी कहानी है। फिर है विक्रमोवश्यम, एक रहस्यों से भरा नाटक। इसमें पुरुरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगता है। पुरुरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है, और इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरुरवा से प्रेम के कारण वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर धरती पर भेज देते हैं। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो फिर स्वर्ग लौट सकेगी। ये पूरी कहानी है। फिर उनका खंड काव्य है, फिर महाकाव्य है, फिर ऋतु संहारम है, और अन्य जो रचनाएं हैं जो छिड़पुर रचनाओं का जो श्रेय है वो भी कालिदास को दिया जाता है। तो बेसिकली भाषागत विशेषताएं भी थी उनके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया अलंकार योजना थी। कालिदास ने शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है और उन्हें उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धस्त और उनकी उपमाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। अभिव्यंजना थी। कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता है वो चित्रों के निर्माण में सब कुछ न कहकर भी अभिव्यंजना द्वारा पूरा चित्र खींच देते हैं। तो ये मैंने आपको कालिदास के बारे में सारी बातें बताई, उसमें गाथाएं भी हैं। कालिदास और दंडी में कौन श्रेष्ठ कवि थे ये भी माना जाता है। इस सवाल को दोनों ने माता सरस्वती के सामने रखा। सरस्वती ने जवाब दिया दंडी। दुखी कालिदास ने पूछा तो माँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो माता ने जवाब दिया त्वमेव अहम्, यानी कि तुम और मैं दोनों एक जैसे हैं। तो उनकी गरिमा ऐसी थी कालिदास जी की, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। जब माँ सरस्वती ने उन्हें कह दिया कि तुम और मैं दोनों एक जैसे हैं। आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल।